21 दिनों का नेशनल लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है भारत में। मतलब लोगों से कहा गया है कि 21 दिनों तक आप जो है बिल्कुल लॉकडाउन कंडीशन में रहोगे, घर में रहोगे, घर से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी से संबंधित चर्चा आज के एडिटोरियल में की गई है और टाइटल दिया गया है ए लॉन्ग रोड, कि भाई ये जो 21 दिनों का रास्ता है ना, यह काफ़ी लंबा है। ए लॉन्ग रोड, ये काफ़ी लंबा होने वाला है और इससे संबंधित चर्चा डिटेल में की गई है पूरे एडिटोरियल में। आज दो की जगह सिर्फ एक एडिटोरियल आया है, इसलिए थोड़ा सा लंबा है एडिटोरियल, तो देखते हैं। द अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जैसा कि पहले कभी ना हुआ हो। लॉकडाउन, लॉकडाउन का मतलब है बिल्कुल बंद कर देना चीज़ों को, कि भाई आप जैसे लोगों से बोल देना कि साहब आप घर में रहो, घर से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो पूरा एकदम तालाबंद स्थिति। तो द अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन कैन वर्क ओनली, तो यह जो लॉकडाउन की स्थिति भारत में अभी लगाई गई है ना, और ऐसी कभी नहीं लगाई गई, ये अभूतपूर्व है, पहली बार ऐसा हो रहा है, तो यह लॉकडाउन की स्थिति काम कर सकती है। कैन वर्क ओनली, सिर्फ तभी जब, इफ गवर्नमेंट्स हेल्प पीपल स्टे होम बाउंड, व्हेन गवर्नमेंट्स पीपल हेल्प पीपल स्टे होम बाउंड, यानी कि जब सरकार लोगों की मदद करे। किस चीज़ में सरकार लोगों की मदद करे? रहने में। सरकार लोगों से कहे कि होम बाउंड का मतलब है घर से बंधा होना, होम बाउंड का मतलब है घर से बंधा होना, यानी कि घर से बंधा होना रहने के लिए अगर सरकार लोगों की मदद करती है, तब जाके ही यह लॉकडाउन जो है सक्सेसफुल हो सकता है, पूरी तरीके से काम कर सकता है। आगे देखते हैं कि इंडियाज़ अनप्रेसिडेंटेड 21 डे नेशनल लॉकडाउन इज एन अनपैरेलल्ड एफर्ट। तो भारत में ये जो 21 दिनों का अभूतपूर्व एक तरीके से राष्ट्रीय बंद जो घोषित किया गया है ना, यह इज एन अनपैरेलल्ड एफर्ट। मतलब ये पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, अनपैरेलल्ड मतलब बहुत ही असमानांतर एफर्ट, मतलब ये एक बहुत ही हटके प्रयास है। किस चीज़ के लिए? एट स्टॉपिंग द मार्च ऑफ, मार्च मतलब आगे बढ़ना, ऑफ ए फास्ट स्प्रेडिंग स्कर्ज दैट हैज़ ओवरवेलम्ड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सेवरल नेशन। तो भारत का ये जो प्रयास है ना, ये मतलब बिल्कुल ही हटके प्रयास है रोकने के लिए। किस चीज़ को रोकने के लिए? आगे बढ़ते हुए कोरोना वायरस को रोकने के लिए। द मार्च ऑफ ए फास्ट स्प्रेडिंग, फास्ट स्प्रेडिंग यानी जो तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पे एक शब्द आया क्या, स्कर्ज, इसका मतलब है विपत्ति। ये विपत्ति कहा गया है साहब कोरोना वायरस को, कि कोरोना वायरस जिसकी चाल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वाइड स्प्रेडिंग, बहुत तेज़ी से इसका फैल हो रहा है, इसको रोकने के लिए। अब इस स्कर्ज, इस विपत्ति के बारे में, इस कोरोना वायरस के लिए आगे कहा गया है दैट हैज, क्या कर दिया है इस कोरोना वायरस ने? ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म्ड का मतलब है होता है बिल्कुल कुचल देना, हरा देना, पराजित कर देना। द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ सेवरल नेशन, सेवरल नेशंस यानी कई, कि भाई ये जो कोरोना वायरस, ये जो COVID-19 बीमारी है, इसने काफ़ी देशों का जो स्वास्थ्य तंत्र है, उनका जो एक तरीके से स्वास्थ्य जो संरचना है ना, स्वास्थ्य जो तंत्र है, उसको कुचल दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो इस ऐसी बीमारी को रोकने के लिए भारत ने ये जो एक तरीके से 21 डे लॉकडाउन करने का जो प्लान बनाया है ना, ये बिल्कुल ही अभूतपूर्व है और बिल्कुल ही अनपैरेलल्ड एफर्ट है। आगे देखते हैं। ऑल्दो, यद्यपि द सेंटर सीम्स टू हैव थॉट, कि केंद्र सरकार यह सोच लेते हुए प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि भाई केंद्र सरकार ने सोच लिया है। टू हैव थॉट मतलब कि भाई केंद्र सरकार ने सोच लिया है, ऐसा प्रतीत होती है केंद्र सरकार क्या सोच लिया है। ऑफ सच ए मूव, कि भाई केंद्र सरकार ने इस मूव के बारे में, ऑफ सच ए मूव इन एडवांस, ऐसा लगता है साहब कि केंद्र सरकार ने इस कदम के बारे में पहले से ही सोच लिया था, एडवांस में ही सोच लिया था। इन ए बिड, बिड का मतलब होता है अटैम्प्ट, एफर्ट, एक प्रयास के रूप में। टू फ्लैटन, फ्लैटन का मतलब होता है साहब सपाट कर देना, समान कर देना। द कर्व ऑफ ट्रांसमिशन, देखो क्या है कि ये जैसे कोरोना वायरस है, इसका कर्व इस तरह से बढ़ता जा रहा है ना, लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, तो हम इस कर्व को क्या करना चाहते हैं? फ्लैटन, फ्लैटन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित ना हो। ये जो कर्व ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाए, मतलब सीधा हो जाए, मतलब कोई भी व्यक्ति इस कोरोना वायरस की चपेट में ना आए। तो ऐसा लगता है साहब सरकार ने इस कदम को उठाने के बारे में पहले से ही सोच लिया था, एक प्रयास के तौर पर। क्या प्रयास करना चाहती थी सरकार? कि ये जो कर्व कोरोना वायरस का बढ़ता जा रहा है, कर्व जो है सीधा हो जाए। फ्लैटन द कर्व ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलना किसी चीज़ का, संचरण होना, प्रसार होना। ऑफ द नोवल का मतलब होता है नया, कोरोना वायरस की, ये जो कोरोना वायरस जो कि बिल्कुल नया है, इसके फैलाव को रोकने के लिए ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले से ही ये प्लान बना लिया था। आगे देखते हैं कि द एन्फोर्समेंट, एन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागूकरण। द एन्फोर्समेंट हैज़ लेफ्ट मिलियंस ऑफ पीपल अनप्रिपेयर्ड फॉर द
सीवियर डिसरप्शन द एनफोर्समेंट, कि साहब ठीक है ये प्लान हो सकता है, पहले ही बना लिया हो सरकार ने, लेकिन ये जो इसका लागूकरण है इसने छोड़ दिया है कि साहब मिलियंस ऑफ पीपल हैं, एक तरीके से लाखों की तादाद में लोग हैं, वे बिना किसी तैयारी के थे साहब, फॉर द सीवियर डिसरप्शन। सीवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर, डिसरप्शन का मतलब है बाधा, कि साहब ये जो 21 दिनों का ये जो हमने एक तरीके से लॉकडाउन कर दिया है ना, इसके माध्यम से जो बाधा पहुंचने वाली है, जो गंभीर रूप से जो बाधा पहुंचने वाली है, उसके लिए लाखों लोग जो हैं साहब वो तैयार नहीं है। तो इसके लागूकरण ने, सरकार का 21 दिनों का जो प्लान है ना, इसके लागूकरण ने काफ़ी सारे लोगों को, लाखों लोगों को जो है बिल्कुल एकदम अनप्रिपेयर्ड हालत में छोड़ दिया है। आगे देखते हैं, द जनता कर्फ्यू ऑन संडे, कि साहब रविवार को जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, है ना, अहेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन, और इसका मतलब होता है अहेड ऑफ का के पहले, अहेड ऑफ द लॉकडाउन वाज ऑब्वियसली अ ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है एक तरीके से प्रैक्टिस फॉर द 3 वीक इम्पोजिशन। तो एडिटोरियल बात करना चाहता है कि साहब रविवार को जो कर्फ्यू लगाया गया था ना, इस लॉकडाउन के पहले, 21 दिनों का लॉकडाउन ऐलान करने से पहले ये जो रविवार को कर्फ्यू लगाया गया था, वह स्वाभाविक रूप से, वाज ऑब्वियसली अ ड्रिल, वह स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि एक साफ प्रैक्टिस थी फॉर द 3 वीक इम्पोजिशन, कि सरकार जो है, इम्पोजिशन का मतलब होता है इम्पोज करना किसी चीज़ को, एक तरीके से थोपना, कि सरकार जो है 3 वीक के लिए एक तरीके से क्या करना चाहती थी, लॉकडाउन करना चाहती थी। तो एक तरीके से उसने प्रयोग किया रविवार को ये कर्फ्यू लगा के, बट लेकिन द गवर्नमेंट फेल्ड टू एंटिसिपेट, लेकिन सरकार यह देखने में नाकामयाब रही। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान कर लेना किसी चीज़ का, तो सरकार यह आकलन नहीं कर पाई, यह पूर्वानुमान नहीं कर पाई, क्या द कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन कन्फाइनिंग ओवर अ बिलियन पीपल, कि साहब कौन कौन से जटिल मुद्दे हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें हैं कि हम 21 डाउन का ये जो लॉकडाउन करने जा रहे हैं पूरे देश में, तो इसके माध्यम से क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, शायद सरकार इसका पूरी तरीके से अनुमान नहीं कर पाई। इशूड इन्वॉल्व इन कन्फाइनिंग, कन्फाइन का मतलब होता है किसी को सीमित कर देना, किसी की गतिविधि को लिमिटेड कर देना, ओवर अ बिलियन ऑफ पीपल, कि साहब इन कन्फाइनिंग ओवर अ बिलियन पीपल टू देयर होम्स, कि एक तरीके से लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं इनको उनके घरों में सीमित कर देने से क्या क्या जटिल समस्याएं पैदा हो सकती हैं, शायद सरकार इनका ठीक तरह से इनका ठीक तरह से अनुमान नहीं लगा पाई। आगे देखते हैं, ऑफ कोर्स ठीक है, एज ए पब्लिक हेल्थ मेजर द फुल नेशनल लॉकडाउन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बीइंग वेलकम्ड बाय द मेडिकल कम्युनिटी। ऑफ कोर्स निश्चित रूप से हमें ये देखने को मिल रहा है, स्वाभाविक रूप से हमें दिखाई दे रहा है साहब, कि एक तरीके से पब्लिक हेल्थ मेजर का मतलब होता है उपाय, यानी कि एक तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उपाय जो किया गया है ना, एक तरीके से नेशनल लॉकडाउन किया गया है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है, इसका स्वागत किया जा रहा है, इज बीइंग वेलकम्ड बाय, किसके द्वारा, कि भारत का एक तरीके से मेडिकल समुदाय जो है, यानी कि चिकित्सा समुदाय जो है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है ना नेशनल लॉकडाउन करने का, उसका स्वागत किया जा रहा है, कहा जा रहा है मेडिकल कम्युनिटी द्वारा, भारत का एक तरीके से ये जो चिकित्सा समुदाय है इसके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि साहब इस कदम के बारे में, नेशनल लॉकडाउन के बारे में कह रहे हैं वो मेडिकल कम्युनिटी, एज ए नेसेसरी मेजर, कि साहब ये बहुत ही आवश्यक उपाय है टू कट द ट्रांसमिशन चेन ऑफ द वायरस, कि यह जो वायरस है, इस वायरस की ये जो संक्रमण चेन है ना, इसको काटने के लिए ये उपाय बहुत ज़रूरी था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही किया, ऐसा कहते हुए जो मेडिकल कम्युनिटी है भारत की, वह इस फैसले का स्वागत कर रही है। आगे देखते हैं कि फ्रेश अराइवल ऑफ ट्रेवलर्स फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेश से जो लोग आ रहे हैं, फ्रेश अराइवल जो नए लोग आ रहे हैं ना, ट्रेवलर्स विदेश से अब्रॉड, हैज़ ऑलरेडी बीन स्टॉप्ड, उनको रोक दिया गया है, यानी कि विदेशों से आने वाले लोगों को एक तरीके से बिल्कुल रोक दिया गया है। फ्रेश अराइवल ऑफ ट्रेवलर्स, यात्री जो हैं फ्रॉम अब्रॉड जो कि विदेशों से आ रहे हैं, हैज़ ऑलरेडी बीन, उनको पहले ही हमने रोक दिया है, ऑलरेडी पहले से ही उनको रोक दिया है। एंड आगे एडिटोरियल कहता है कि 3 वीक इज लॉन्ग एनफ, और 3 सप्ताह का जो समय ना वो काफ़ी पर्याप्त है, लॉन्ग एनफ मतलब काफ़ी हद तक पर्याप्त है, टू अलाउ फॉर सिम्टोमेटिक केसेस ऑफ COVID-19 डिसेस टू इमर्ज, कि भाई ठीक है हमने क्या किया कि बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनको तो हमने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है
कि 3 सप्ताह का समय जो है ना वो पूरी तरीके से पर्याप्त है कि अगर कोई भी कोविड 19 के सिम्टम किसी भी व्यक्ति में हमें दिखाई देते हैं ना, तो जो भी उभर के सामने आते हैं, इमर्ज मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरह के कोविड 19 के सिम्टम लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो उनको देखने के लिए 3 सप्ताह का समय पर्याप्त है। यानी कि बाहर से जो केस आ सकते हैं उनको तो हमने रोक दिया, और अंदर का जो 3 सप्ताह का समय दिया ना, इस 3 सप्ताह में हम आराम से चेक कर सकते हैं कि भाई किसी में अगर लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उसका इंतजाम कर लें। आगे देखते हैं कि दिस शुड गिव द गवर्नमेंट सफिशियंट टाइम, एक तरीके से दिस शुड गिव द गवर्नमेंट सफिशियंट टाइम टू प्लान ए ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। तो इस तरह से ये जो 3 सप्ताह का टाइम मिलेगा ना, आपने क्या किया, बाहर से आने वाले लोगों को रोक दिया, अब आपके अंदर अंदर सिर्फ भारत में ही जो लोग बचे, अगर इनमें किसी में लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उसको देखो और उसको जो है ट्रीट करो। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, दिस शुड गिव द गवर्नमेंट, कि इस तरह से सरकार को मिलना चाहिए, है ना, ये सरकार को दे देना चाहिए, सरकार को मिल जाना चाहिए क्या, पर्याप्त समय, किस चीज़ के लिए, टू प्लान, कि सरकार जो है प्लान कर सके क्या, ए ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, कि भाई सरकार को प्रतिक्रिया कैसे देनी है, कि सरकार को ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, कि अगर कोई नए लक्षण दिखाई देते हैं ना तो उनको जो है सरकार बिल्कुल ठीक तरह से जो है ट्रीट कर सकती है, प्लान बना सकती है, योजना बना सकती है। आगे देखते हैं, बट फॉर द लॉकडाउन टू सर्व इट्स पर्पस। सर्व इट्स पर्पस का मतलब होता है साहब जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है ना, जो आपका पर्पस है वो पूरा हो जाए आपका, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए लॉकडाउन लगाया गया है वो उद्देश्य हासिल हो जाए उसके लिए जरूरी है। क्या जरूरी है, इट शुड लीड टू वाइडर, सरकार को चाहिए कि सरकार जो है नेतृत्व करे, मोर्चा संभाले, इट शुड लीड टू वाइडर टेस्टिंग ऑफ ऑल सस्पेक्टेड केसेस। तो इसके लिए जरूरी है साहब कि वाइडर टेस्टिंग मतलब व्यापक रूप से एक बड़े पैमाने पर जो है टेस्ट किए जाएं, परीक्षण किया जाए, किन लोगों का, जो भी सस्पेक्टेड केस है, सस्पेक्टेड मतलब जिन पर भी संदेह है कि साहब ये कोरोना वायरस का केस होता हो सकता है, तो उनकी जो है व्यापक रूप से परीक्षण किया जाए, इस बात की साहब ये जरूरी है, ये करना चाहिए। रिग्रेटेबली खेदजनक बात यह है साहब, क्या, द लेक ऑफ प्लानिंग ऑन द लॉकडाउन, कि साहब ये जो लॉकडाउन लागू किया गया ना भारत में, इसके ऊपर क्या था, एक तरीके से योजना का अभाव था, लेक ऑफ प्लानिंग मतलब योजना का अभाव होना ऑन द लॉकडाउन, कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति निर्मित की गई इसको ठीक तरह से जो है इसके ऊपर योजना नहीं बनाई गई, इसके चलते क्या हुआ, रिजल्टेड इसका परिणाम ये हुआ साहब, इन अनदर बाउट ऑफ क्राउडिंग, ये जो बाउट शब्द है ना BOUT, इसका मतलब होता है बीमारी या फिर किसी भी गतिविधि की छोटी अवधि, बाउट ऑफ क्राउडिंग, हमें क्या देखने को मिल रहा है, भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, हमने ये जो लॉकडाउन की स्थिति निर्मित की सरकार के द्वारा, तो ये जो है ठीक तरह से प्लान करके नहीं की, तो इसके चक्कर में उल्टा परिणाम क्या देखने को मिला हमें, भीड़ भाड़ होती हुई नजर आ रही है, एक पीरियड एक छोटा सा दौर हमें देखने को मिल रहा है, अनदर बाउट ऑफ क्राउडिंग, क्यों, विद पीपल रशिंग आउट, रश आउट का मतलब है बाहर की ओर दौड़ना, आउट मतलब बाहर की ओर, रश मतलब दौड़ना, कि लोग बाग जो है भीड़ के रूप में बाहर की ओर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, टू बाय खरीदने के लिए इशेंशियल सप्लाइज एंड मेडिसिन, इशेंशियल सप्लाइज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज, एंड मेडिसिन मतलब आपकी दवाइयाँ, तो लोग बाग जो है ना हड़बड़ा गए, मतलब लोग बाग घबरा गए मतलब इस लॉकडाउन को देखकर, और जो है भीड़ के रूप में जो है लोग बाग जो है बाहर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वे जो है कुछ अपनी गेट जरूरी चीज़ें और कुछ मेडिकल खरीद रहे हैं। आगे देखते हैं, देर वर इंस्टेंसेस ऑफ माइंडलेस पॉलिस वायलेंस, कि इस तरह की इंस्टेंसेस, इस तरह की घटनाएं भी हमें देखने को मिली है, माइंडलेस मतलब जिसमें आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते बिल्कुल, पुलिस वॉयलेंस यानी कि पुलिस के द्वारा हिंसा करने की कुछ गतिविधियां भी हमें देखने को मिली है, किन लोगों के खिलाफ गतिविधियां की है पुलिस ने, हिंसक गतिविधियां, अगेंस्ट उन लोगों के खिलाफ, उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उन वर्कर्स लोगों के खिलाफ परफॉर्मिंग रूटीन जॉब्स, कि भाई ठीक है लॉकडाउन की स्थिति निर्मित कर दी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनका नियमित काम है ना, वो अपने नियमित काम को कर रहे हैं, तो पुलिस क्या है उनके ऊपर जो है हिंसा की कार्यवाही कर रही है ना, तो इस तरह के जो है एक तरीके से माइंडलेस कृत्य भी हमें देखने को मिले। आगे देखते हैं, द वर्चुअल कर्फ्यू, तो ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ना ये लगभग कर्फ्यू के समान है, वर्चुअल जो शब्द लिखा हुआ है ना, इस वर्चुअल का मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट, लगभग ये मानो कि लगभग कर्फ्यू जैसी हालत है पूरे देश में, तो द वर्चुअल कर्फ्यू कुड हैव बीन मेड फार लेस स्ट्रेसफुल, तो यह जो कर्फ्यू जैसी स्थिति है ना इसको थोड़ा कम ज़्यादा तनावपूर्ण बनाया जा सकता था, कुड हैव बीन मेड इसे बनाया जा सकता था फार कहीं ज़्यादा कम तनावपूर्ण, है ना, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है इस कर्फ्यू के चलते या इस लॉकडाउन के चलते, तो इस तनावपूर्ण स्थिति को काफ़ी हद तक जो है कम तनावपूर्ण बनाया जा सकता था थ्रू, किसके माध्यम से, प्रायर डिस्कशन, कि यदि सरकार पूर्व में चर्चा परिचर्चा कर लेती, किन लोगों के साथ, विथ द स्टेट्स राज्यों के साथ, एंड अनएम्बिगुअस
अनएम्बिग्यूस का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, और पब्लिक को जो है एक तरीके से बात बता दी जाती है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से कम्युनिकेट, एक तरीके से पब्लिक के साथ, जनता के साथ, जनता को जो है बिल्कुल ठीक तरह से जो है स्पष्ट रूप से बता दिया जाता कि साहब आपको क्या क्या तैयारी करनी है और क्या क्या तैयारी नहीं करनी है इस लॉकडाउन के चलते। आगे देखते हैं, क्लियरली निश्चित रूप से स्टेट एजेंसीज डिडंट फॉलो द ऑर्डर इशूड बाय द होम मिनिस्ट्री अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। क्लियरली स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला क्या कि राज्य सरकार की जो एजेंसीज हैं इन्होंने पालन नहीं किया ऑर्डर का। कौन सा ऑर्डर का? जो कि गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया किसके तहत? अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है आपदा प्रबंधन। ये जो 2005 एक कानून है हमारे पास, स्पेलिंग आउट प्रोविजंस ऑन एसेंशियल सर्विसेज। स्पेलिंग आउट का मतलब है व्याख्या करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। स्पेलिंग आउट प्रोविजंस ऑन एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज का मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज जरूरी हो। प्रोविजन यानी प्रावधान कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जिन सर्विसेज की, जिन प्रावधानों की बात की गई है, उन प्रावधानों का पालन राज्य सरकार ने जो है ठीक तरह से नहीं किया। ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखते हैं कि इफ़ द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन इज टू बी एग्जीक्यूटेड, इफ़ द प्रोलॉन्ग्ड मतलब एक तरीके से लंबा दीर्घकाल तक जो चलेगा, है ना। इफ़ द प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन इज टू बी एग्जीक्यूटेड का मतलब है एक तरीके से अंजाम देना, विदाउट टू मच ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब है एक तरीके से सदमा, टू मच यानी बहुत ज़्यादा। अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, अगर हमें इसको अंजाम तक पहुँचाना है ना, अगर इसको क्रियान्वयन करना ही है और लोगों को ज़्यादा सदमा भी ना पहुँचे, है ना, फॉर द जनरल पब्लिक कि भाई जो लोग भागे उन्हें ज़्यादा झटका भी ना लगे, ज़्यादा सदमा भी ना पहुँचे, तो देयर हैज़ टू बी ए वार रूम अप्रोच। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वार रूम अप्रोच को अपनाएं, है ना। अप्रोच का मतलब एक तरीके से आपका दृष्टिकोण। वार रूम क्या मतलब होता है? इस वार रूम का मतलब होता है जैसे युद्ध चल रहा है मान लो, है ना, तो युद्ध के दौरान हमने क्या किया, एक रूम का निर्माण किया। उस रूम में क्या है कि बड़े बड़े मुख्य मुख्य लोग बैठे, उन्होंने क्या किया, सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की, है ना, जो भी युद्ध को संभाल रहे हैं उनको बताया गया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह का जब हम काम करते हैं ना तो उसको बोलते हैं वार रूम अप्रोच। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ना, अगर इस लॉकडाउन की स्थिति को अगर लंबा चलना है और सफलतापूर्वक चलना है, लोगों को ज़्यादा झटका भी ना लगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक वार रूम अप्रोच अपनाएं। मतलब कि भाई इस कोरोना वायरस से संबंधित जो भी जानकारी है उनको इकट्ठा करें, कोरोना वायरस से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं यानी कि जो व्यक्ति इसकी रोकथाम में लगे हुए हैं वे इकट्ठे होकर पूरा प्लान बनाया जाए और उस प्लान को जो है ठीक तरीके से अंजाम दिया जाए। ये एडिटोरियल यहाँ तक बात करता है। आगे देखो, चीफ अमंग द मेजर्स नीडेड इज रिलायबल एक्सेस टू फूड। अब एडिटोरियल कह रहा है कि साहब काफ़ी सारे उपाय हैं जो इस लॉकडाउन को सक्सेसफुली अंजाम देने के लिए ज़रूरी हैं, उनमें से मुख्य है, चीफ मुख्य है, अमंग द मेजर्स नीडेड, जिनकी की आवश्यकता है, काफ़ी सारे उपाय हैं, उन उपायों की आवश्यकता है इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उनमें से पहला उपाय साहब इज रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय। एक्सेस टू फूड, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, इसके बाद में अक्सर टू प्रीपोजिशन आता है, पहुँच होना किसी चीज़ की। एक्सेस टू फूड वाटर मेडिसिंस एंड एमरजेंसी असिस्टेंस। एमरजेंसी असिस्टेंस मतलब आपातकालीन सहयोग। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी उपाय है वो ये है साहब कि लोगों की पहुंच में होना चाहिए क्या, ये फूड वाटर या फिर ये दवाइयाँ या फिर कोई भी अगर आपातकालीन अगर ज़रूरत पड़ती है लोगों को, तो यह उपाय जो है सबसे पहले किए जाने चाहिए। आगे देखो एडिटोरियल क्या बात करता है कि हेयर, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, सम स्टेट्स हैव मूव्ड अर्ली, कि भाई कुछ राज्य जो है ना उन्होंने जल्दी कदम उठाया है ना, मूव्ड अर्ली का यहाँ पे मतलब है कुछ राज्यों ने जल्दी कदम उठाया है, एंड अनाउंस्ड, और कुछ राज्यों ने घोषणा की है साहब किस चीज़ की, कैश रिलीफ। कैश रिलीफ मतलब एक तरीके से लोगों को पैसों की राहत देने की, एंड फ्री राशन, और फ्री राशन का मतलब है भाई एक तरीके से खाने पीने की जो वस्तु है ना वो फ्री दी जाएंगी, ऐसी घोषणा कुछ राज्यों ने कर दी है और एक तरीके से उन्होंने ये जल्दी कदम उठाया। आगे देखते हैं कि द चैलेंज, लेकिन जो चुनौती है, इज टू इंश्योर, तो चुनौती जो है वो ये सुनिश्चित करना है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कि ठीक है राज्यों ने घोषणा तो कर दी लेकिन इनका जो लागूकरण है वह प्रभावी होना चाहिए, ये सब चुनौती है हमारे सामने। आगे देखते हैं अगेन दोबारा, इफ़ मूवमेंट इज टू बी रेस्ट्रिक्टेड। अब एडिटोरियल बात कहता है कि साहब जनता का जो मूवमेंट है ना उसको अगर रोकना है साहब, हमें उसे लिमिटेड करना है, उसे सीमित करना है, जनता के मूवमेंट पर अगर प्रतिबंध लगाना है, तो एसेंशियल्स
मस्ट बी डिलीवर्ड, यहाँ पे एसेंशियल्स का मतलब है जरूरी सामग्री, मस्ट बी डिलीवर्ड वर्चुअली एट द डोर स्टेप, वर्चुअली मतलब लगभग कंप्लीट है ना, एट द डोर स्टेप, तो उसके लिए ज़रूरी, अगर हम चाहते हैं कि लोगों का मूवमेंट बिल्कुल रुक जाए तो उसके लिए ज़रूरी है साहब कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं जनता के लिए उसकी डिलीवरी की जाए बिल्कुल उनके घर तक, लगभग ये मानो कि उन सामानों की डिलीवरी उनके घर तक की जाए। मस्ट बी, मस्ट बी मतलब बहुत ही जरूर ऐसा होना चाहिए। आगे देखते हैं कि दिस इज इनेबल्ड एक्सप्लिसिटली बाय द होम मिनिस्टर्स ऑर्डर। अब ये जो बात कही गई है ना, कौन सी बात एडिटोरियल ने कही है कि साहब अगर लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करना है तो जो जरूरी सामग्री है वो लोगों के घरों तक पहुंचानी जानी चाहिए, लोगों के घर के द्वार तक, डोर स्टेप तक पहुँचाई जानी चाहिए। तो दिस इज इनेबल्ड, तो यह साहब हो सकता है साहब, इस इनेबल मतलब होता है किसी चीज़ को सक्षम बनाना, किसी चीज़ को योग्य बनाना। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बाय द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर, तो यह संभव है साहब, ये बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय के ऑर्डर के द्वारा। आगे देखते हैं डिटेल और क्या बात करता है कि अलाउइंग डिलीवरी ऑफ मेडिसिन बाय फार्मेसीज इज इम्पॉर्टेंट। अलाउइंग मतलब अलाउ करना, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन की जो भी दवाइयाँ हैं उन दवाइयों की एक तरीके से प्रॉपर डिलीवरी हो सके, उस डिलीवरी को अलाउ करना फार्मेसीज के द्वारा इज इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। एंड इसेंशियल पर्सनल मस्ट बी गिवन, और जो जरूरी लोग हैं, यानी कि कौन जरूरी लोगों को यहाँ पे मतलब है कि भाई वे लोग जो दवाइयों को लोगों के घरों तक पहुँचाएंगे, मस्ट बी गिवन, मस्ट बी गिवन उन जरूरी लोग जो है ना, जो पर्सनल है, यहाँ पे पर्सनल का मतलब है कर्मचारी, यानी कि भाई जो भी महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं उनको दिया जाना चाहिए। मस्ट बी गिवन क्या दिया जाना चाहिए, पासेस दैट प्रोटेक्ट, उनकी उनको पास दिया जाना चाहिए साहब। पास का मतलब है एक तरीके से पास होता है ना, बस पास बन गया आपका, रेलवे पास बन गया, इसी तरह से उनके पास एक पास होना चाहिए दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोलिस हरासमेंट। इस हरासमेंट शब्द को देखना, स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत पूछा जाता है कि वे कर्मचारी जो कि इस तरह की जरूरी सामग्री को डिलीवरी करते हैं लोगों के घरों तक, उनके पास में एक पास होना चाहिए ताकि लोग जाके उनको पुलिस अनावश्यक रूप से परेशान ना करे, दैट प्रोटेक्ट देम, जिससे कि उनकी रक्षा हो सके है ना, फ्रॉम पुलिस हरासमेंट, ताकि लोग पुलिस जो है उनको अनावश्यक रूप से परेशान ना करे। एंड इंश्योर और सुनिश्चित हो सके साहब क्या, मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, और ये जो सामान की डिलीवरी है, सामान का जो मूवमेंट है वह बिल्कुल ठीक तरह से जो है हो सके। आगे देखते हैं डिटेल और क्या बात करता है कि देर इज ऑल्सो अ डिप्लोरेबल ट्रेंड। डिप्लोरेबल का मतलब होता है खेदजनक, बड़ा ही दुखपूर्ण ट्रेंड। एक और चलन हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी दुखपूर्ण है, वो क्या, ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव अगेंस्ट, किसके खिलाफ सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, हेल्थ वर्कर्स हैंडलिंग COVID-19 केसेस, कि भाई जो भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं जो कि COVID-19 के केसेस को हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक चलन देखने को मिल रहा है ना, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सामाजिक भेदभाव देखने को मिल रहा है वहाँ पे, विच मस्ट बी स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब होता है बहुत ही कठोरतापूर्वक, डील्ट विथ का मतलब इसे निपटा जाना चाहिए, इसका सामना किया जाना चाहिए, यानी कि क्या घटना देखने को मिल रही है साहब कि जो कर्मचारी COVID-19 केसेस को संभाल रहे हैं ना, इसके इसमें लगे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक सामाजिक भेदभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं तो इसको बहुत ही कठोरता के साथ डील किया जाने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं द ऑनस, ऑनस का मतलब होता है साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, इज ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड फॉर एवरीवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कि साहब ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बनती है कि वह उपलब्ध कराए, क्या उपलब्ध कराए साहब, प्रत्येक व्यक्ति को जो भी आवश्यक चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन की अवधि के दौरान। एंड दे शुड बी वर्किंग राउंड द क्लॉक, और गवर्नमेंट के लिए कहा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, दे शुड बी वर्किंग, कि भाई इन सरकारों को काम करना चाहिए है ना, राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक मतलब बिल्कुल 24 आवर्स, अदरवाइज अन्यथा पीपल विल बी फोर्स, अन्यथा लोग मजबूर हो जाएंगे, पीपल विल बी फोर्स, लोग मजबूर हो जाएंगे किस चीज़ के लिए, इन टू ए सिचुएशन वेयर, एक ऐसी स्थिति में आने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे कि भाई लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आप चाहते हो कि लोग बाग जो है बिल्कुल घर में जो है बंद रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लोगों तक जरूरी सामग्री जो है पहुंचानी होगी, और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है, और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस जिम्मेदारी को निभा पाने में असफल रहती है तो जो लोग हैं ना, जो जनता है, वह बाध्य हो जाएगी घर से बाहर निकलने को, पीपल विल बी फोर्स्ड इनटू अ सिचुएशन वेयर ब्रेकिंग द कर्फ्यू,
माइट सीम का मतलब है प्रतीत होना, ये माइट है ना संभावना के लिए आता है, मे है माइट है संभावना के लिए लगाते हैं हम इसको, मे ज़्यादा संभावना के लिए, माइट थोड़ी कम संभावना के लिए। तो लोगों लोग ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है अगर सरकार ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, सरकार ने अगर लोगों तक जरूरी सामग्री नहीं पहुंचाई, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि लोग मजबूर हो सकते हैं कर्फ्यू तोड़ने के लिए। उन्हें लगेगा साहब कर्फ्यू तोड़ दो, और कर्फ्यू तोड़ने के बाद में जो परेशानी मिलेगी ना वो परेशानी कम है, बजाय इसके कि अगर हम घर में ही बने रहे तो परेशानी जो होगी, है ना। ब्रेकिंग द कर्फ्यू माइट सीम द सेफर, कि लोगों को, लोग मजबूर हो सकते हैं और ये हालत हो सकती है कि लोगों को कर्फ्यू तोड़ना सही लग सकता है, अल्टरनेटिव टू डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित हो जाना, एंड सफरिंग इन आइसोलेशन, सफरिंग मतलब परेशान होना, पीड़ित होना, आइसोलेशन मतलब एकांत में, कि लोग बाग घरों में पड़े पड़े सारी चीज़ों से, मतलब उनके पास जो जरूरी चीज़ें हैं ना एक तरीके से खाने पीने या दवाइयों की जो जरूरी चीज़ें हैं, अगर वो भी उनको नहीं मिल पा रही तो फिर लोग बाग फोर्स हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे इस बात के लिए, उन्हें लगेगा कि साहब इसे अच्छा है कर्फ्यू तोड़ के हम बाहर आ जाएं। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करना चाहता है। आगे देखते हैं कि द एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावशीलता, है ना, इफेक्ट द एफिकेसी ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड, अब ये जो शब्द आया है ना प्रोट्रैक्टेड, इसका मतलब होता है एक तरीके से लंबा, लंबा फैला हुआ, है ना। द एफिकेसी ऑफ ए प्रोट्रैक्टेड 3 week लॉन्ग कंट्री वाइड लॉकडाउन इन द फाइट अगेंस्ट द पंडेमिक असाइड। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि साहब प्रभावशीलता, किस चीज़ की प्रभावशीलता, कि ये जो लंबा 3 सप्ताह तक चलने वाला पूरा देशव्यापी जो बंद है, जो कि हमने लड़ने के लिए लगाया है, किसके खिलाफ़ लड़ने के लिए, कि ये जो महामारी है पंडेमिक है यानी कि वैश्विक महामारी है, इसको तो एक तरफ रखो, कि इसकी प्रभावशीलता, कि 3 सप्ताह के लिए जो हमने लॉकडाउन बनाया है, हमने 3 सप्ताह के लिए जो लॉकडाउन जो है लागू किया है, इसको तो एक तरफ रखो, इसको तो असाइड है ना, इसको तो एक तरफ रख दो। व्हाट इज़ वेरी क्लियर, जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्पष्ट है वो ये दैट द शटडाउन, कि भाई ये जो एक तरीके से बंद की स्थिति है, इज सेट टू ब्रिंग द अप्रॉक्सीमेटली 200 लाख करोड़ नेशनल इकोनॉमी क्लोज टू अ शडरिंग स्टैंड स्टिल। भाई एडिटोरियल कहना चाहता है कि ठीक है साहब ये प्रयास जो किया है ना, इस प्रयास को तो एक मिनट के लिए भूल जाओ आप, दूसरी जो बात सबसे ज़्यादा स्पष्ट है वो ये कि इस शटडाउन के माध्यम से क्या होने वाला है साहब, लगभग ये मानो 200 लाख करोड़ का बोझ पड़ने वाला है, किस पर, हमारी भारत की इकोनॉमी पर, है ना। इज सेट मतलब ये जो एक तरीके से ये जो लॉकडाउन है ये बिल्कुल तैयार है, किस चीज़ के लिए तैयार है, टू ब्रिंग लाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 200 लाख करोड़ नेशनल इकोनॉमी क्लोज टू ए शडरिंग स्टैंड स्टिल, कि मतलब 200 लाख करोड़ का जो है एक तरीके से ये जो इकोनॉमी है ना हमारा 200 लाख करोड़ का एक तरीके से ठप्प होने वाली है इकोनॉमी, है ना। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल ठप्प हो जाना, शडरिंग, शडरिंग का मतलब होता है बिल्कुल कंपा देने वाला, है ना, बिल्कुल थरथराना, बिल्कुल कपकपाना। तो एडिट ये जो हमारी इकोनॉमी है ना बिल्कुल ये मानो बिल्कुल पूरी तरीके से कांप जाएगी इस स्टेप के चलते। ये एडिटोरियल जो है एडिट यहाँ तक जो है बात करता है कि मतलब इतना जो है मामला ठप्प पड़ जाएगा पूरा की पूरा। आगे देखते हैं द रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से भाई कोई भी परिणाम है, कोई भी नतीजा है, उसमें जो जुड़ी हुई जटिलता है ना, कि भाई आपने एक्शन तो ले लिया लेकिन इस एक्शन में क्या क्या जटिलताएँ आने वाली हैं, आपको क्या क्या नतीजे इसके होने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं द रेमिफिकेशन। द रेमिफिकेशंस आर ऑलरेडी सो वाइड रेंज, वाइड रेंज का मतलब है कि भाई क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। द रेमिफिकेशन आर ऑलरेडी सो वाइड रेंजिंग दैट मेजरिंग द फॉलआउट, इस ये जो फॉलआउट शब्द है ना, इस फॉलआउट का मतलब होता है प्रतिकूल परिणाम, मेयरली मतलब मात्र, इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट इकोनॉमिक आउटपुट वुड बी ग्रॉसली इनएडिक्वेट, ग्रॉसली मतलब कंप्लीटली, इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त। अब देखो इस लाइन में डिटेल क्या कहना चाह रहा है कि साहब जो जटिलताएं आने वाली हैं आगे, जो जटिलताएं हमारे सामने आने वाली हैं ना, उन जटिलताओं का क्षेत्र इतना बड़ा है साहब कि उन जटिलताओं को हमारा आर्थिक उत्पादन कम हो जाएगा सिर्फ इसमें नहीं मापा जा सकता। आर ऑलरेडी सो वाइड रेंजिंग, कि ये जो जटिलताएं आने वाली हैं वो उनका क्षेत्र इतना व्यापक है, दैट मेजरिंग द फॉलआउट, कि साहब ये जो फॉलआउट है, जो प्रतिकूल परिणाम हम मापना चाहते हैं ना, उनको मापना संभव नहीं है, मात्र इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट इकोनॉमिक आउटपुट, कि साहब अर्थव्यवस्था के जो आउटपुट है, अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन है उसमें कितनी कमी आई, सिर्फ इस बात से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारा कितना लॉस, यानी कि हमारा लॉस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप सिर्फ ये कहो कि हमें कितना आर्थिक नुकसान हो जाएगा, तो सिर्फ इस आर्थिक नुकसान से आप हमारे टोटल नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। ऑफ लॉस्ट इकोनॉमिक आउटपुट वुड बी ग्रॉसली इनएडिक्वेट,
ग्रॉसली मतलब कम्प्लीटली इनएडिक्वेट, ये काफ़ी अपर्याप्त होगा, मतलब कम्प्लीटली अपर्याप्त होगा कि अंदाज़ा लगा पाना कि कितना खतरनाक नुकसान, कितना ज़्यादा नुकसान जो है हमें होने वाला है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि आपने अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, उस नुकसान से ही आप सारे नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आगे देखते हैं एडिटोरियल और क्या कहता है कि द हार्डेस्ट हिट आर द मिलियंस, कि सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी ना, हार्डेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो मार पड़ने वाली है, हिट होने वाले हैं, आर द मिलियंस, तो वे लाखों लोग हैं साहब, ऑफ डेली वेज अर्नर्स। डेली वेज अर्नर्स, वेज का मतलब एक तरीके से वेतन, मजदूरी, यानी कि जो डेली अपनी मजदूरी करके अपनी तनख्वाह कमाते हैं उन लोगों पर सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली है इसके लॉकडाउन के चलते। द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड स्मॉल बिजनेसेस, इसके अलावा जिन जो मतलब छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिन्होंने खुद को अपने आप को रोजगार में लगा रखा है, या छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, एंड द रूरल लैंडलेस पुअर, या फिर ग्रामीण गरीब लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, इन लोग ये लोग जो है सबसे ज़्यादा इन पर मार पड़ने वाली, ये लोग जो है वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, जो आसानी से चपेट आ जाए, यानी कि इस लॉकडाउन की जो चपेट में आएंगे ना, लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका है, वल्नरेबल सेगमेंट का मतलब है जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर तबका है, ऑफ द वर्क फोर्स यानी काम करने वाली जो फोर्स है, यानी कि जो एक तरीके से लोग बाग काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, तो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द वर्क फोर्स फेस द इमीडिएट प्रॉस्पेक्ट ऑफ ए लैक ऑफ इनकम। इमीडिएट प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट का मतलब संभावना, ऑफ लैक ऑफ इनकम, तो साहब ये जो बिल्कुल एकदम कमज़ोर वर्ग है ना, इस कमज़ोर वर्ग को साहब तुरंत खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस लॉकडाउन का, क्योंकि उनके पास इनकम है ही नहीं, उनके पास तो डेली कमाते हैं और डेली खर्च करते हैं, तो उनको जो है सबसे ज़्यादा जो है भुगतान, उनको जो है सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्यों न तो उनके पास इनकम होगी और साथ ही साथ उनको जो है हंगर भूख से भी जो है निपटना पड़ेगा, है ना, क्या करें, बहुत ही गरीब तबके जो हैं वो क्या करें, उनके पास इनकम नहीं है तो उनको भूख से जूझना पड़ेगा और पैसों से भी जूझना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ऑन ए लार्जर स्केल, अगर एक बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें, विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नाउ विदड्रॉन, विड्रॉन का मतलब है वापस ले लेना, कि साहब एक तरीके से ये जो सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं हैं ना, इनको वापस ले लिया गया है, यानी कि सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है, एंड प्राइवेट व्हीकुलर मूवमेंट सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड, और इसके अलावा जो व्यक्तिगत वाहन हैं उनके मूवमेंट को भी बहुत ही गंभीरता के साथ रोक दिया गया है, सीवियरली मतलब बुरी तरीके से उनको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को भी रोक दिया आपने और एक तरीके से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड टू द बेरेस्ट डिलीवरी ऑफ इसेंशियल सर्विसेज, कि भाई जो प्राइवेट वाहन है ना वो मूव कर सकते हैं, है ना, उनके मूवमेंट को अलाउ किया गया है, उनको कब रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध लगा देना, टू द बेरेस्ट, बेरेस्ट मतलब मात्र डिलीवरी ऑफ इसेंशियल सर्विसेज, कि भाई प्राइवेट व्हीकल है उनको अलाउ किया गया है उनके मूवमेंट को, लेकिन सिर्फ तभी इसेंशियल सर्विस, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक कोई सेवा देनी है ना, कोई बहुत ही ज़्यादा आवश्यक सेवा की डिलीवरी अगर देनी है तो उसके लिए ही सिर्फ प्राइवेट व्हीकल को अलाउ किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में कि लगभग लगभग ये मानो कि साहब पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों दोनों की दोनों बंद पड़े हैं, ऐसी परिस्थिति में इट इज़ हार्ड टू सी, ये देख पाना मुश्किल है हाउ पीपल एम्प्लॉयड इवन इन वाइटल सेक्टर, वाइटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, तो ये देख पाना काफ़ी मुश्किल है साहब कि किस तरह से वे लोग जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगे हुए हैं ना, हाउ पीपल एम्प्लॉयड इन वाइटल सेक्टर्स, कि भाई किस तरह से वे लोग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगे हुए हैं, कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र, ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निर्मित करने का, और द यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ मतलब यही उपयोगिता से संबंधित जो चीज़ें होती हैं ना आपकी, तो उपयोगिता से संबंधित जो चीज़ें हैं, या फिर एक तरीके से ये जो निर्माण से संबंधित जो इकाइयाँ हैं, इन क्षेत्रों में जो लगे हुए हैं, लगे हुए लोग हैं, ये किस तरह से सक्षम हो पाएंगे, वुड बी एबल, ये किस तरह से सक्षम होंगे टू रीच देयर वर्क प्लेसेस, कि भाई यह किस तरह से अपने काम करने वाले स्थल तक पहुंच पाएंगे, ये बात समझ में आने से बाहर है। भाई ठीक है आपने हर चीज़ों को बंद कर दिया, लेकिन फिर भी जो मतलब बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, मतलब जो महत्वपूर्ण उपयोगिता से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे मेडिसिन है, अब इन लोगों को तो वहाँ तक जाना पड़ेगा ना, मतलब जैसे मेडिसिन है वहाँ तक जाना पड़ेगा, तो अब ये लोग वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और एक तरीके से आपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को भी लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तो ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक बात करता है कि साहब वे फिर अपने वर्क प्लेस से, अपने काम करने की जगह तक कैसे पहुँच पाएंगे। आगे देखते हैं कि वाइल द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे, कि वाइल द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे, कि मंगलवार को हमें क्या देखने को मिला, कि ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने घोषणा की, किस चीज़ की, ए वेलकम स्ल्यू ऑफ टैक्सेस, क्या मतलब होता है स्ल्यू का, ऐसे स्ल्यू का मतलब होता है अधिक संख्या, ए लार्ज अमाउंट और नंबर, ए स्ल्यू, ए वेलकम स्ल्यू ऑफ टैक्स एंड रेगुलेटरी
कॉम्प्लियंस रिलेटेड डेडलाइन, देखो क्या होता है कि ये मार्च है इसी मतलब बिल्कुल एकदम ये कह लो कि मार्च के महीने को टैक्स का महीना कहा जाता है, तो इस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है काफ़ी अधिक संख्या में टैक्स से संबंधित जो भी रेगुलेटरी जो भी एक तरीके से नियम कानून नियम कायदे कानून होते हैं ना टैक्स भरने, कॉम्प्लियंस रिलेटेड डेडलाइन, कॉम्प्लियंस का मतलब होता है मानना किसी चीज़ को कि भाई ये रूल एंड रेगुलेशन से इनको कॉम्प्ले करना है, इनको मानना है, तो कॉम्प्लियंस रिलेटेड डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा कि भाई टैक्स भरने से संबंधित जो भी औपचारिकताएं हैं, टैक्स भरने की जो समय सीमा है उनसे संबंधित एक तरीके से जो डेडलाइन है ना जो समय सीमा है उसमें काफ़ी हद तक छूट प्रदान की है किन्होंने, अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। डेडलाइन डेफरमेंट, ये जो डेफरमेंट शब्द है ना इस डेफरमेंट का मतलब होता है टाल देना, पोस्टपोनमेंट स्थगित कर देना एज वेल एज, तो भाई ये जो भी एक तरीके से डेडलाइन होती है समय सीमा होती है टैक्स भरने की समय सीमा या फिर टैक्स से संबंधित जो भी प्रावधान है तो इनको थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया, ऐसी घोषणा फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ट्यूजडे को की गई है। एज सम क्रेडिट रिलेटेड रिलीफ टू द MSME सेक्टर, अब ये देखो MSME सेक्टर क्या होता है, MSME सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो कॉमा फाइनेंस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ये बोलते हैं हम MSME कि साहब एक तरीके से छोटे मध्यम और लघु छोटे हो गए है ना सूक्ष्म हो गए लघु हो गए और मध्यम दर्जे के जो उद्योग है ना उनको एक तरीके से क्रेडिट देना पैसे देना इससे संबंधित जो बातें हैं इन सारी चीज़ों में जो है रिलीफ दिया गया है किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। द कंबाइंड स्टेप, तो ये जो मिले जुले प्रयास हैं जो संयुक्त प्रयास हैं विल एट बेस्ट बी ऑफ मार्जिनल हेल्प, तो ये जो प्रयास किए गए हैं ना वित्त मंत्री के द्वारा ये कोई ज़्यादा मदद नहीं करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत करेंगे बस, विल एट बेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा, ये मान लो देखो ये लिखा हुआ है ना विल एट बेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं साहब ऑफ मार्जिनल हेल्प, ठीक है कुछ हद तक जो है मदद मिल सकती है इन उपायों से, टू टैकल, टैकल का मतलब है निपटना द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस, अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व है ना इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि अभूतपूर्व आर्थिक संकट जो आने वाला है इस लॉकडाउन के चलते, तो ये जो उपाय किए हैं ना निर्मला सीतारमण ने इससे बस थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है मतलब बहुत ही मामूली राहत, एडिटोरियल ये बात करता है। आगे देखते हैं कि एनी पैकेज टू एड्रेस इट, एनी पैकेज टू एड्रेस इट देयर फॉर डिमांड्स अ सेट ऑफ मिटिगेशन, एनी पैकेज कि भाई अगर आप वास्तव में कोई पैकेज देना ही चाहते हो अगर आप समाधान करना ही चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है साहब डिमांड, उसके लिए आवश्यक है साहब ए सेट ऑफ मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना एंड सब्सिक्वेंट स्टिमुलस, स्टिमुलस मेजर्स, तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि अर्थव्यवस्था के लिए क्या जरूरी है साहब, अर्थव्यवस्था के लिए ये जरूरी है आप क्या करो कि एक सेट मतलब काफ़ी सारे उपाय लेके आओ और क्या है आप कम करो मिटिगेशन कम करो एंड सब्सिक्वेंट और बाद में आप क्या करो, स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, मेजर्स उपाय दैट वुड नीड टू बी एन एक्सेप्शनल स्किल, एडिटोरियल कहना चाहता है एंड रिक्वायर इम्प्लीमेंटेशन ऑन ए वार फुटिंग, एडिटोरियल कहना चाहता है कि अभी तो आप क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आर्थिक राहत प्रदान करो और इसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड समाप्त होता है उसके बाद में क्या करो आप लोगों कुछ ऐसे उपाय होने चाहिए आपके पास, कुछ ऐसे मेजर्स होने चाहिए जो कि लोगों को प्रेरित करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर जो है उत्पादन हो सके ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके, तो ये सारी बात है ना ये सारी बात यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में, तो धीरे धीरे समझो आप, एनी पैकेज टू एड्रेस इट, ये अर्थव्यवस्था को अगर हम एक तरीके से समाधान करना चाहते हैं ना तो उसके लिए साहब जरूरी है कि कम करने के उपाय हम लेके आए और एक तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए एंड सब्सिक्वेंट, और जब लॉकडाउन का पीरियड समाप्त होता है तो उसके बाद में हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जो कि लोगों को प्रेरित करें, दैट वुड नीड ऐसे उपायों की ज़रूरत होगी और फिर एक्सेप्शनल स्किल, मतलब एक्सेप्शनल का मतलब होता है बिल्कुल एकदम अपवाद स्किल, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर हमें ऐसे उपाय चाहिए होंगे जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकें एंड रिक्वायर इम्प्लीमेंटेशन ऑन ए वार फुटिंग, और ये जो भी उपाय हम करेंगे ना अभी हाल ही में अभी वर्तमान में अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी राहत हम लोगों को प्रोवाइड कराएंगे है ना, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत है कि इन उपायों का लागूकरण इम्प्लीमेंटेशन ऑन ए वार फुटिंग, वार फुटिंग का मतलब है कि भाई ऐसा कि भाई जैसे युद्ध होता है ना तो युद्ध के स्तर पर जो तैयारी की जाती है वैसी ही तैयारी करने की आवश्यकता, ये होता है वार फुटिंग का मतलब युद्ध स्तर पर कि साहब अर्थव्यवस्था को अगर हमें संभालना है तो एक युद्ध स्तर पे जो तैयारी की जाती है ना वैसी तैयारी करने की आवश्यकता है कि ठीक है अभी आप जो है लोगों को जो है राहत दो और इसके बाद में कुछ ऐसे उपाय अपना के रखो कि जैसे ही लॉकडाउन पीरियड समाप्त होता है हम जल्द से जल्द हमारी अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर लौट सके। आगे देखते हैं कि फॉर ए स्टार्ट, शुरुआत के तौर पर क्या कर सकती है सरकार,
द सेंटर मस्ट अबैंडन, शुरुआत के तौर पर सरकार को जरूर से जरूर त्याग देना चाहिए। किस चीज़ को त्याग देना चाहिए? इट्स फिस्कल डेफिसिट गोल, फिस्कल डेफिसिट राजकोष घाटा, डेफिसिट गोल्स एट दिस मोमेंट ऑफ ए वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। कि साहब ये जो है पूरा विश्वव्यापी स्वास्थ्य से संबंधित या अर्थव्यवस्था से एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, कि भाई ये जो संकट चल रहा है ना, तो ये संकट पूरे विश्व में चल रहा है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर संकट छाया हुआ है, पूरे विश्व के स्वास्थ्य तंत्र पर संकट छाया हुआ है। तो ऐसे समय में भारत सरकार को जरूरी है कि भाई भारत सरकार ने जो अपना राजकोषीय घाटे को पूरा करने का जो गोल बना रखा है ना, उस गोल को एबंडन, उस गोल को जो है अभी त्याग देना चाहिए। दैट इज सेट टू टिप द ग्लोबल इकोनॉमी इन टू ए रिसेशन, कि भाई बिल्कुल तैयार है ये जो मामला, यानी कि जो संकट अभी बना हुआ है स्वास्थ्य तंत्र पे, जो संकट बना हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, इकोनॉमिक संकट है, अर्थव्यवस्था का संकट है, ये बिल्कुल तैयार है टू टिप द ग्लोबल इकोनॉमी इन टू ए रिसेशन, कि भाई बिल्कुल तय है कि पूरी की पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वह मंदी में जाएगी, ये बात बिल्कुल तय है। एट द वेरी लीस्ट इन द नियर टर्म, एट द वेरी लीस्ट, कम से कम ये तो हम मान ही सकते हैं कि इन द नियर टर्म, कि जो आगे आने वाली अवधि है ना, बिल्कुल पास में जो बिल्कुल अवधि है, कि उस अवधि में तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल मंदी में रहेगी, ये बिल्कुल तय है। तो ऐसे हालातों में जरूरी है कि फिलहाल सरकार क्या करे, फिलहाल सरकार अपने स्वास्थ्य तंत्र को बचाने के लिए जो है ऐसा करे कि भाई ये जो गोल बना रखा है ना उसने, फिस्कल डेफिसिट गोल, इसको जो है छोड़ दे। आगे देखते हैं डिटेल क्या करता है। इन कीपिंग विथ का मतलब इसके साथ साथ ही साहब, वाट सम स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज, कि भाई कुछ राज्य सरकारें और उसके साथ ही साथ मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज और जो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड, इन्होंने और पहले से ही घोषणा कर दी है। किस चीज़ की घोषणा कर दी है साहब? द सेंटर नीड्स टू इमीडिएटली रियलाइज साइजेबल कैश ग्रांट्स। अब देखो हमें क्या देखने को मिला है, हमें ये देखने को मिला है साहब कि क्या, कि हमें ये देखने को मिला है कि काफ़ी सारे राज्यों ने एक तरीके से लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करने की घोषणा कर दी है। विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने भी लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करने की जो है घोषणा कर दी है। तो अब केंद्र सरकार को भी ज़रूरत है कि केंद्र सरकार भी इमीडिएटली तुरंत ही जो है रिलीज करे साहब क्या, साइजेबल, साइजेबल का मतलब होता है एकदम पर्याप्त रूप से, है ना, एक अच्छी मात्रा में कैश ग्रांट, है ना, पैसे जो है उपलब्ध कराएं, ग्रांट है ना, राहत दे पैसों से संबंधित, टू ऑल पर्सन, उन सभी लोगों को विद जनधन अकाउंट, जिन लोगों के पास जनधन अकाउंट है एंड जो बीपीएल से जुड़े हुए जो लोग हैं, बीपीएल राशन कार्ड्स, एंड यूज़ इट्स वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम, है ना। तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि पूरे विश्वव्यापी वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि अपने लोगों को राहत उपलब्ध करा रही हैं। भारत में भी काफ़ी सारी राज्य सरकार जो है वह लोगों को आर्थिक राहत उपलब्ध करा रही हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार का भी यह दायित्व तो बनता है कि साहब जनधन योजना के माध्यम से या फिर बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से या फिर केंद्र सरकार की जो अन्य सामाजिक कल्याण, वेलफेयर, कल्याण से जुड़ी हुई जो स्कीम्स हैं, जैसे कि पीएम किसान है या फिर एमजी नरेगा है, इनके माध्यम से केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे दैट द रीच ऑफ सच फाइनेंशियल एड, कि भाई इस तरह की ये जो वित्तीय सहायता है ना, एड का मतलब सहायता, इज मैक्सिमाइज्ड, वह सहायता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, कंट्री वाइड मतलब देशव्यापी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी राहत जो है पहुँच सके, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं कि द प्लान मस्ट ऑल्सो एनकम्पास, एनकम्पास का मतलब होता है घेर लेना, कि भाई ये जो केंद्र सरकार जो प्लान लेके आ रही है ना, ये प्लान जो है पूरी तरीके से घेर ले। किस चीज़ को घेर ले साहब? ए ब्रॉड स्वैथ, ये जो शब्द है ना स्वैथ, इसका मतलब होता है ए लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग दैट इंक्लूड्स सेवरल डिफरेंट थिंग्स, किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा जिसमें कई बड़ी बातें समाहित हों। तो एक प्लान जो है वो ऐसा होना चाहिए साहब, एनकम्पास ए ब्रॉड स्वैथ ऑफ स्पेंडिंग मेजर्स। स्पेंडिंग मेजर्स का मतलब है कि जब सरकार पैसा खर्च करती है ना, पैसा खर्च करने के लिए जो उपाय अपनाती है ना, तो उनको हम बोलते हैं स्पेंडिंग मेजर्स, कि भाई सरकार कहाँ कहाँ अपना पैसा खर्च कर रही है ना, पैसा खर्च करने के लिए कौन कौन से उपाय अपना रही है। तो साहब काफ़ी सारी बातें हैं, मतलब है ना, उन चीज़ों को जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा प्लान होना चाहिए सरकार के पास जो प्लान जो है, मतलब जिसमें काफ़ी सारी बातें समाहित हों कि भाई खर्चा हमें किस किस तरह से करना है। दीज शुड इंक्लूड, तो ये जो प्लान हम अपनाने जा रहे हैं ना, एक तरीके से केंद्र सरकार को प्लान अपनाना चाहिए, केंद्र सरकार को जो है एक तरीके से आर्थिक राहत देना चाहिए, तो उसमें क्या क्या बातें शामिल हैं? दीज शुड इंक्लूड सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब पर्याप्त, है ना, दीज शुड इंक्लूड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, कि भाई काफ़ी हद तक पर्याप्त रूप से जो है निवेश किया जाना चाहिए इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर,
पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कि आप सब संरचना है ना, एक तरीके से जो हमारी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनात्मक, या फिर हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो तंत्र है ना, उस तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा पैसा इन्वेस्ट करके टारगेटेड, और वह जो हम पैसा लगाएंगे ना मतलब पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेटेड एट कोविड 19 ट्रीटमेंट, यानी कि कोविड 19 के उपचार को टारगेट करते हुए केंद्र सरकार को पैसा लगाना चाहिए, फॉर विच अ बिगनिंग हैज़ बीन मेड। एडिटोरियल कहता है साहब कोविड 19 को टारगेट करने के लिए केंद्र सरकार ने कर भी दिया, शुरुआत कर भी दी है, बिगनिंग शुरुआत हो चुकी हैज़ बीन मेड, शुरुआत की जा चुकी है विद एन अलोकेशन ऑफ 15,000 करोड़, कि 15,000 करोड़ रुपए हमने हमारे स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के लिए ताकि कोविड 19 से लड़ा जा सके उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, एज वेल एज साथ ही साथ प्रोविजंस केंद्र सरकार को प्रावधान करने चाहिए साहब फॉर फ्री सर्विसेज टू ऑल फाइनेंशियल एड रिसिपेंट, एड का मतलब होता है एक तरीके से साहब मदद करना है, इसके साथ ही साथ प्रावधान किए जाने चाहिए फ्री सर्विसेज के, उनको सर्विसेज फ्री प्रोवाइड करानी चाहिए, कराई जानी चाहिए किन लोगों को, टू ऑल फाइनेंशियल एड रिसिपेंट्स, यानी कि जो भी एक तरीके से वित्तीय रिसिपेंट का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, कि साहब जिसको भी एक तरीके से वित्तीय राहत मिलती है या जिनको भी पैसा मिलता है उनको जो है साहब फ्री सर्विसेज भी जो है उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अब देखते हैं डिटेल और क्या बात करता है और क्या क्या उपाय जो है होने चाहिए साहब। लोन रीपेमेंट हॉलीडेज। अब देखो एडिटोरियल क्या बात करता है साहब कि लोन रीपेमेंट हॉलीडे। अब यहाँ पे हॉलीडेज जो शब्द आया ना, ये हॉलीडे शब्द आया साहब छोटी अवधि जिस दौरान टैक्स को स्थगित किया जा सकता है। इंग्लिश में समझें इसे, ए शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच द पेमेंट ऑफ टैक्स मे बी सस्पेंडेड। तो सरकार को क्या करना चाहिए साहब, एंड ए वेज बिल सब्सिडी टू ऑल MSME बिजनेस दैट रिटर्न का मतलब है साहब बनाए रखना देयर वर्क फोर्स एट प्री क्राइसिस लेवल्स। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है यहाँ पे ये कहना चाहता है साहब कि देखो कि छोटे या फिर ये जो मध्यम दर्जे के एंटरप्राइजेस हैं, ये उद्योग हैं साहब, तो इनको जो है राहत मिलनी चाहिए। किस चीज़ में राहत मिलनी चाहिए, जैसे इन लोगों ने क्या लोन ले रखा होगा भाई, छोटे दर्जे के उद्योग हैं या फिर मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, इन लोगों ने लोन ले रखा है सरकार से, अब इनको क्या है थोड़ी सी टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, इनको थोड़ी सी हॉलीडे मिलनी चाहिए साहब। इस क्यों मिलनी चाहिए इनको हॉलीडे, एंड ए वेज बिल सब्सिडी। वेज बिल सब्सिडी, सब्सिडी मतलब राहत दी जानी चाहिए सरकार के द्वारा। वेज मतलब एक तरीके से मजदूरी का जो बिल है ना, कि भाई ये जो MSME बिजनेस है, ठीक है, छोटे और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं जो बनाए रखते हैं साहब देयर वर्क फोर्स एट प्री क्राइसिस लेवल, संकट के पूर्व का स्तर। अब देखो इस समय क्या हालात है साहब, इस समय हालात ये हैं कि सारी की सारी गतिविधियां आपने ठप्प कर दी। अब ये छोटे और जो मध्यम दर्जे के ये जो उद्योग धंधे हैं, तो इनके अंतर्गत जो लोग लगे हुए हैं है ना, इनके अंतर्गत जो लोग काम करते हैं साहब, उनकी पेमेंट कौन देगा, यही तो देंगे ना जिन लोगों ने उद्योग लगा रखा है। अब इनकी पेमेंट ये कहाँ से लाएंगे, अब इनकी पेमेंट के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को जो है सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए और सरकार को टैक्स संबंधी छूट भी इन लोगों को देनी चाहिए, ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है। एंड वंस द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, और एडिटोरियल साथ यह भी बताना चाहता है कि जैसे ही ये लॉकडाउन समाप्त होता है साहब, ए ह्यूज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, सरकार को क्या करना चाहिए, अ ह्यूज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, सरकार को ऐसी स्थिति निर्मित करनी चाहिए साहब संरचना को मजबूत करने के लिए, बैक्ड का मतलब है सपोर्ट, स्पेंडिंग पुश टू जनरेट जॉब, सरकार को कुछ ऐसी स्थिति निर्मित करनी चाहिए साहब कि जैसे ही ये लॉकडाउन समाप्त हो ना, तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद में जो है अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर जो है लौट सके, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जो है वो निर्मित हो सकें, एंड रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दोबारा से आर्थिक जो एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधियाँ हैं, वह दोबारा से शुरू हो सकें। तो देखो इस ये जो वाक्य है ना, थोड़ा सा बहुत लंबा है, बहुत ही धीरे धीरे समझना, इसमें एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि साहब आर्थिक राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, कि साहब जैसे कि ये MSME है, अब इसमें जो भी मजदूर वर्ग है या जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनको तो तनख्वाह देनी पड़ेगी ना, तो ये MSME उनको तनख्वाह प्रोवाइड कराएगा। अब ये जो MSME जब उनको तनख्वाह प्रोवाइड कराएगा और MSME जो है ये अभी बंद पड़े हैं, तो अब इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो सरकार को एक तरीके से थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए, इन लोगों ने जो लोन ले रखा है उस लोन में इनको थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, ठीक है अभी तो आप इनको छूट दे दो, अभी तो आप इनको सब्सिडी दे दो, लेकिन जैसे ये लॉकडाउन समाप्त होता है तो आपको ऐसी अरेंजमेंट करना चाहिए आपकी संरचना को, ये जो पब्लिक संरचना है ना आपकी, आपको उसको मजबूत करना चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए,
पुश टू, पुश का मतलब होता है एक तरीके से एनकरेज करना, किसी को धक्का देना कि साहब आपको कुछ ऐसे उपाय तैयार रखने चाहिए कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जो है वो क्रिएट हो सके और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एक तरीके से बहाल हो सके। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाहता है। आगे देखते हैं कि ए मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है मॉडरेट, है ना, ना कम ना ज़्यादा। ए मॉडेस्ट डबलिंग, डबल डबल हो जाना ऑफ द बजटेड फिस्कल डेफिसिट फिगर फॉर 2020-21 कुड सी अबाउट 16 लाख करोड़ बीइंग फ्रीड अप फॉर द सेंटर। अब देखो एक तरीके से ये अगर ये जो एक तरीके से आर्थिक राहत प्रदान करेंगे ना तो इसके चलते क्या हो सकता है साहब कि ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है यह क्या हो सकता है, ये मतलब दो अंकों में जा सकता है साहब, है ना, लगभग लगभग ये समझ सकते हैं आप कि अभी तो एक अंक में चल रहा है फिस्कल डेफिसिट, ये दो अंकों में जा सकता है फॉर 2020-21 के लिए। तो इसमें बजट ये जो डेफिसिट है, राजकोषीय जो घाटा है, ये इसमें हमें देखने को मिल सकता है क्या, 16 लाख करोड़ बीइंग फ्रीड अप, फ्री अप का मतलब है मुक्त करना कि साहब 16 लाख करोड़ जो है मुक्त करने जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए खोलने जा रहे हैं 16 लाख करोड़, फॉर द सेंटर, केंद्र सरकार के लिए, टू बोथ स्पेंड डायरेक्टली, भाई 16 लाख करोड़ जो है हम लेने जा रहे हैं एक तरीके से केंद्र सरकार के कोष से और उस 16 लाख करोड़ को कुछ तो डायरेक्ट खर्च किया जाएगा, एंड प्रोवाइड कैपिटल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एंड सब्सिडीज टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स। और इसके अलावा ये जो 16 लाख करोड़ रुपए होंगे ना इनमें से कुछ तो केंद्र सरकार जो है डायरेक्ट खर्चा करेगी और इसके अलावा कुछ जो है पूंजी दी जाएगी किन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, किन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, ग्रांट मतलब एक तरीके से राहत प्रदान करना एंड सब्सिडी देना, है ना, छूट देना, टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स, कि भाई केंद्र ये राज्य सरकारें जो हैं और बैंक जो हैं यह सही हाल में कार्य करते रहें तो इनको भी पैसा दिया जाना जरूरी है केंद्र सरकार के द्वारा। आगे देखो डिटेल और क्या बात करता है कि द गवर्नमेंट वुड डू वेल, कि भाई सरकार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये वुड का प्रयोग करते हैं जब कोई इमेजिनरी सिचुएशन बतानी हो ना हमें कि भाई सरकार बहुत ही अच्छा करेगी, वुड डू वेल टू यूज़ द क्राइसिस, कि इस संकट का प्रयोग करे एज ए वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी, कि साहब ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है, ऐसा अवसर जो है, मतलब कभी कभी आता है, मतलब वंस इन ए जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस बोथ द इकोनॉमीज एंड पब्लिक्स वेलबींग, कि भाई हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार करेगी, क्या करेगी, इस संकट का एक तरीके से सरकार जो है मतलब जितना अच्छा उपयोग हो सकता है ना करने की कोशिश करेगी, मतलब सरकार ये प्रयास करेगी साहब कि इस एक तरीके से इस अवसर का लाभ उठाए साहब, कि ये कभी कभी आती है साहब, ये जनरेशन्स बीत जाती है, कभी कभी ऐसी अवसर हमें देखने को मिलते हैं, तो सरकार कोशिश करे साहब, क्या कोशिश करे, टू एड्रेस, समाधान करने का, बोथ द इकोनॉमीज एंड पब्लिक्स वेलबींग, कि सरकार कोशिश करेगी साहब क्या कि अर्थव्यवस्था को भी बचा ले और लोगों के कल्याण को भी बचा ले साहब, ये दोनों को बचाने की चुनौती सरकार पे, और सरकार ऐसा करेगी, है ना, सरकार बहुत बेहतर तरीके से जो है प्रबंध करेगी, ये एडिटोरियल जो है बात करता है। आगे देखते हैं कि द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, जीवन और आजीविका लॉस्ट टू द पंडेमिक शुड नॉट बी इन वेन। अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि भारत में भी काफ़ी लोगों की ये जो पंडेमिक है ना, ये जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है, इसके चलते काफ़ी लोगों की आजीविका चली गई है, काफ़ी लोगों की जान चली गई है, तो इन लोगों की जान और इन लोगों की आजीविका व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। यह एडिटोरियल जो है बात करता है कि द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स लॉस्ट, कि भाई जो जाने जो हमने खो दी इस वैश्विक महामारी के चलते, ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, यानी कि हमें जो है इससे निपटना ही चाहिए, हमने जो ये जो प्रयास करने जा रही है ना केंद्र सरकार, उन प्रयासों को बहुत ही कुशलतापूर्वक अंजाम देने की ज़रूरत है, ये एडिटोरियल जो है बात करता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। तो मैंने कहा ना आज सिर्फ एक ही एडिटोरियल आया है दो एडिटोरियल की जगह, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। इन सारे शब्दों को एक बार जो है आप क्विकली रिवाइज कर लें। स्कर्ज इसका मतलब है विपत्ति, ओवरवेलम का मतलब है पराजित करना, बाउट का मतलब है बीमारी या किसी गतिविधि की छोटी अवधि, वर्चुअल का मतलब है लगभग, है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट, प्रोट्रैक्टेड का मतलब है लंबा या फिर फैला हुआ, शडर का मतलब है कांपना या फिर थरथराना, रेमिफिकेशन का मतलब है परिणाम, जटिलता। यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए ना, परिणाम या जटिलता, इसका मतलब होता है कि साहब किसी चीज़ की जो परिणाम आएंगे ना वो कितनी जटिलताओं से भरे हुए होंगे, उसके लिए हम लगाते हैं रेमिफिकेशन, कि साहब इसके रेमिफिकेशन जो है ना आप सोच भी नहीं सकते कैसे होंगे। रेमिफिकेशन मतलब जैसे अभी हमने लॉकडाउन लगा दिया, तो अब इस लॉकडाउन के क्या क्या रेमिफिकेशन आ सकते हैं, यानी कि क्या क्या जटिलताएँ देखने को मिल सकती है, क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेमिफिकेशन। फॉल आउट इसका मतलब होता है प्रतिकूल परिणाम, है ना। स्ल्यू इसका मतलब है अधिक संख्या। डिफरमेंट का मतलब है पोस्टमॉर्नमेंट, है ना, किसी चीज़ को टालना, स्थगित करना, स्थगन। MSME है ना, ये मैंने आपको बताई दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मार्जिनल का मतलब है बहुत ही कम, है ना, अत्यल्प। वार फुटिंग मतलब बिल्कुल युद्ध के स्तर पे होना। स्वैथ, स्वैथ का मतलब है ए लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग दैट इंक्लूड्स
सेवरल डिफरेंट थिंग्स, मतलब किसी चीज़ का कोई बड़ा हिस्सा जिसमें काफ़ी सारी बातें समाहित हों, तो उसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं स्वैत। इसके बाद है हॉलीडे, तो यहाँ पे ध्यान रखना हॉलीडे का मतलब अवकाश नहीं है, यहाँ पे छुट्टी नहीं है। हॉलीडे का मतलब यहाँ पे हॉलीडे का मतलब है भाई कोई भी एक ऐसी छोटी अवधि ड्यूरिंग विच द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टैक्स मे बी सस्पेंडेड, है ना। कि भाई यहाँ पे एडिटोरियल ने बात की थी ना कि भाई ये जो छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं उन्होंने क्या लोन ले रखा है, तो उनको वो लोन चुकाना पड़ता है, तो सरकार को राहत देनी चाहिए उन्हें कि भाई इंस्टॉलमेंट जो है आप आराम से चुका देना, है ना, उनको थोड़ी सी राहत देनी चाहिए, उनको थोड़ी सी छूट देनी चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे हॉलीडे। और वैन VAIN इसका मतलब होता है यूजलेस व्यर्थ। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।